हे व्हाट्सअप, वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो? होप करता हूँ सारे न्यू अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने यहाँ पे परचेस कर लिया है सैमसंग A13 और गाइस यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपके फ़ोन में जो इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा, या गाइस आपके फ़ोन में कोई सा भी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, आपने बहुत ज़्यादा सेटिंग्स करके देख लिया, बट आपको लगता है कि मेरे फ़ोन की जो सेटिंग है पहले से ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, वो बिल्कुल अभी ठीक नहीं हुई है। तो यार, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट से यहाँ पे एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जो कि सर आपका फ़ोन फॉर्मेट भी नहीं होगा, पर आपके फ़ोन में जो इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी और आपके फ़ोन जो भी मिस्टेक ही होगी वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। आपको बस यहाँ पे क्या करना, अपने फ़ोन की सेटिंग में क्लिक कर देना, ठीक है? आपका जैसे यहाँ पे अपने फ़ोन की सेटिंग में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपका यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स देखनी है। सर, सेटिंग देखने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर मेरी वीडियो में ज़्यादा यहाँ पे बैकग्राउंड का नोज आ रही हो, या अगर यहाँ पे किसी बच्चे की या किसी भी डॉग्स वगैरह की यहाँ पर आवाज़ आ रही हो, तो भाई सॉरी, सिंपल सा आपको अबाउट फ़ोन में आना है, अबाउट फ़ोन में आके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद का यहाँ से आपको मिल जाएगा सबसे नीचे की तरफ रीसेट। वैसे आपको जैसे मैंने यहाँ पर रीसेट का नाम लिया है, तो आप घबराना बिल्कुल भी मत, वरना कैसे यार आपको ये लगेगा मेरा तो फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, मेरे में से वीडियो डिलीट हो जाएंगे। कुछ भी कैसे आपके फ़ोन में से डिलीट नहीं होगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर लेना है, कहीं कैसे आपके फ़ोन में यहाँ पे सॉफ्टवेयर तो नहीं आ गया, जिससे कैसे आपके फ़ोन में यहाँ पे इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे अच्छे से। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अगर आपके फ़ोन में आ गया हो सॉफ्टवेयर का, तो आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना, ठीक है? आप लोग यहाँ पे देखो, अगर अपडेट आपने कर रखा हुआ तो यहाँ पे योर सॉफ्टवेयर अप टू द डेट यहाँ पे इस तरह से गैस आ जाएगा, या गैस आपको यहाँ पे फाइनल सॉफ्टवेयर अपडेट दिखा देगा, ठीक है? अब बस मैं आपको मेन सेटिंग बताने वाला हूँ। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सर्च बार आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे मेरा फोटो लगा हुआ है, उसके ऊपर गैस यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर दोगे आप, तो बस यहाँ पे आपको लिखोगे RESET। आपका जैसे यहाँ पे RESET लिखोगे, तो देखो इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। अब बस यहाँ पे आपको देखो कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा रीसेट ऑल सेटिंग या रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है, या फैक्ट्री डाटा रीसेट पर क्लिक कर देना, ठीक है? बट आपको यहाँ पे ऊपर वाले तीनों ऑप्शन को यहाँ पर रीसेट कर देना है, जैसे रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट नेटवर्क सेटिंग। आपको कहीं देखो यहाँ पे जैसे मैं रीसेट ऑल सेटिंग्स करूँगा, तो कितने सारे यहाँ पे हमारे जो सेटिंग्स हैं ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। और जैसे कैसे मैं यहाँ पे देखो फैक्ट्री डाटा रीसेट करूँगा, तो मेरा पूरा फोन यहाँ से कैसे फॉर्मेट हो जाएगा, पूरा फोन फॉर्मेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना। रीसेट नेटवर्क सेटिंग वगैरह क्लिक करोगे, यहाँ से सिम वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप, ये भी सेटिंग का यहाँ पे ऑटोमेटिक आप रीसेट कर सकते हो। रीसेट करने के बाद कैसे यहाँ पे आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं रीसेट पर क्लिक किया, सिंपल से यहाँ पे जो मेरे फ़ोन में पासवर्ड डाला था वो डाल दिया। इस तरह से आप अपने फ़ोन की पूरी सेटिंग रीसेट कर सकते हो। सिंपल से आपको बैक आना है, बैक आने के बाद गाइस देखो यहाँ पे इस तरह का और इंटरफेस आएगा। आपको अगर आप चाहते हो मेरा अपना पूरा फोन रीसेट करना, तो फैक्ट्री डाटा रीसेट क्लिक करके आपका पूरा फोन फॉर्मेट हो जाएगा, पर आपके फ़ोन में से गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, आपको डाटा फैक्ट्री करोगे तो कट जाएगा। गाइस यार, अब मिलूंगा नेक्स्ट, टेक केयर, वंदे मातरम, लव यू ऑल।